बड़ी खबर ब्रेक न्यूज सामने लेकर का आज की। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आज भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, जानी पूरी जानकारी। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दोस्तों आज किन इलाकों में कितनी तेज बारिश हुई, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मी से बेहाल देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। समय से 3 दिन पहले मानसून केरल पहुंच चुका है। मानसून की तीव्रता को देखते हुए IMD ने केरल में अगले 5 दिनों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक RK जेनामणि के मुताबिक मानसून के मध्य अरब सागर के अधिकांश क्षेत्र को कवर करने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। यह दक्षिण अरब सागर, लक्षद्वीप और केरल के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकतर जिलों में ये आगे बढ़ेगा। हीट वेव को लेकर भी मौसम विभाग ने बड़ी राहत दी है। विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक हीट वेव चलने के आसार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून को लेकर अभी कोई गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही हैं। हर साल जिस समय पूरे भारत में मानसून दस्तक देता है, उसी समय मानसून के आगमन का अनुमान है। 27 जून से मानसून को लेकर गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। हालांकि इससे पहले तापमान में बढ़ोतरी के साथ धूप और छांव में काफ़ी कमी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि केरल के साथ साथ महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और रोजाना ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।